हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय पैराडाइज गार्डन। कैसे हैं आप सब? वेल फ्रेंड्स, मेरी बर्डीज की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। गेस व्हाट, मैं आपको बताऊं, ये बर्डीज उनकी फैमिली रोज़ शाम को अपने घर वापस लौट आती है, यानी इन्होंने मेरा घर नहीं छोड़ा है अभी भी। रोज़ शाम को ये अपना सैर सपाटा खा के पी के सारे काम करके वापस अपने घर लौट आते हैं सोने के लिए। और जैसे ही सुबह होती है, सूरज की पहली किरण निकलने पर ही ये यहाँ से उड़ जाते हैं और फिर शाम होते ही वापस आ जाते हैं। ये देखिए, अब ये जो है मम्मी है और बड़ी बेचैन है कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। इन्होंने जो है अपने बच्चों को अपने घर में वापस भेज दिया है और बच्चे अंदर जाना नहीं चाह रहे थे, बहुत आवाज़ कर रहे थे। और वही आवाज़ सुन के जो है मैं बाहर देखने आई तो मुझे ये दिखाई दिया कि ये जो है ज़बरदस्ती अपने बच्चों को अंदर घुसेड़ रही हैं। ये कह रही हैं कि शाम हो गई है, चलो सोने। तो देखा कितने डिसिप्लिन्ड और कितने पंक्चुअल हैं ये लोग। हमें भी इनसे सीखना चाहिए टाइम को कैसे वैल्यू करना चाहिए। ये देखें, ये भी अंदर चली गई और अब ये चुपचाप सो जाएंगे। तो जैसा कि मैं कह रही थी, हम लोगों को भी इनसे सीखना चाहिए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स यू हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि जैसा मैंने आपसे कहा कि हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए, तो ज़रूर हमें इनसे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। क्योंकि क्या कहूँ, पता नहीं मुझे। तो बस कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसे एक लाइक दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए मैं आपके साथ आज मेरी बालकनी में जो फूल खिले हैं जाते जाते वो ही शेयर कर लेती हूँ। तो ये देखिए सदाबहार देसी वाला, साथ में देखिए ये जो सब सीडलिंग्स थी, अब ये बड़े हो गए हैं। इनके सब सीड्स मैंने ऐसे ही गमले में डाल दिए थे, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये गोमफ्रेना है, ये कॉस्मोस है, इस तरफ भी आप ये देखिए, इधर भी एक प्लांट बड़ा हो रहा है। और मैं आपको एक सरप्राइज दूँ, ये देखिए मेरा जो एमरेलिस लिली है, इस पर मैंने वीडियो बनाई थी, इसको मैंने आपके सामने ही पॉट किया था, है ना। तो आप ये देख सकते हैं इधर, ये देखिए यहाँ से जो है इसकी फ्लावरिंग स्टिक निकलने वाली है, तो है ना खुशी की बात। और मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मेरा ब्लू डेज, ये भी बहुत अच्छे से चल रहा है फ्रेंड्स। साथ में इस पॉट को भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये भी मैंने सब सीड से ही ग्रो करे हैं। और अब आप देख सकते हैं ये भी कितने अच्छे से फ्लावरिंग पर आ गए हैं। चलिए और कुछ दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक क्रीपिंग डेजी झांक रहा है मेरा, और ये देखिए मेरे टमाटर जो हैं, लग रहे हैं ना जबरदस्त। हालांकि ज़्यादा टमाटर नहीं लगे हैं क्योंकि मैं इसे इतना ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करती हूँ, बस इनकी केयर मुझसे नहीं होती फ्रेंड्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, बहुत इन पे कीड़े लगते हैं, पेस्ट लगते हैं। लेकिन ये देखिए, आप अभी भी देख सकते हैं किस तरह जो है इसमें लीफ माइनस का अटैक हुआ है। चाहे जितना भी मैं इस पे नीम ऑयल स्प्रे करूं, ये हटते ही नहीं हैं। तो बस ये आप टमाटर देखिए और खुश होइए, है ना, अच्छे लग रहे हैं, ज़बरदस्त लग रहे हैं कि नहीं। और क्या दिखाऊं, ये देखिए मेरी चंपा अभी भी बहुत अच्छे से खिल रही है, रोज़ इसमें कलियाँ खिलती हैं। और ये देखिए नीचे, यहाँ पर भी मैंने ये सीड्स फेंक दिए थे कॉस्मोस के, तो ये देखिए इनके फूल, ये भी लग रहे हैं ना खूबसूरत। और ये दो अलग अलग प्लांट्स हैं, ये अलग शेड है, आप देख सकते हैं इसके बीच में अलग है और ये अलग है। और यहाँ पे भी एक सीडलिंग रेडी हो रही है फ्लावर करने के लिए, और इसमें भी देखिए यहाँ पे भी मैंने प्लांट्स लगाए हुए, यानी सीड से ग्रो करे हैं कॉस्मोस। ये देखिए मेरे बेगोनियाज, ये भी अच्छे से खिल रहे हैं। साथ में इधर भी देखिए, ये सब मैंने जो है सीड से ग्रो करे हैं और आपके साथ शेयर भी करे हैं कि कैसे इनको बुशी बनाया जा सकता है। तो आप इनकी ब्लूमिंग देखिए कितने अच्छे से हो रही है अब। और मेरा ये यूफोर्बिया मिली, छोटा सा है लेकिन
हमेशा फूलों से भरा ही रहता है। देखें, और ये देखिए मेरे डायंथस भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं इस टब के अंदर। ये वाले डायंथस भी अच्छे चल रहे हैं, साथ में मेरा पिटूनिया भी है। देखिए इधर ही सब रखा हुआ है क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ ठीक से धूप नहीं आ रही है। और ये रहा और एक और पिटूनिया, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ है मेरा पिंक वाला हाइबिस्कस, ये है मेरा अंडे वाला पिटूनिया। और ये देखिए सेल्विया को भी मैंने एक ही पॉट में रिपॉट कर दिया है। इसके पीछे जो ये मरा सा देख रहे हैं आप डियर फ्रेंड्स, ये है मेरा एक नया पिटूनिया। कल जब मैं इसे नर्सरी से लाई थी तब तो इसकी हालत अच्छी भली थी, लेकिन यही है कि एक्साइटमेंट में ले लिया इसको भी मैंने, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बेचारा वो नर्सरी में ही बहुत ज़्यादा ओवर वाटर्ड हो गया है और इस वजह से अब इसकी हालत ख़राब है और शायद ये बच भी ना पाए, तो मेरे पैसे तो गए पानी में। और ये देखिए ये मेरे सदाबहार बड़े प्यारे और बहुत ही वफादार और शुरू से हैं ये मेरे साथ। और इधर भी हैं मेरे ये सदाबहार, ये भी बहुत पुराने हैं। साथ में एक छोटा सा गोमफ्रेना है जो सीड से ग्रो किया है, तो अब इसमें भी जो है ब्लूमिंग शुरू हो गई है फ्रेंड्स। और मैं आपको क्या दिखाऊं, ये देखिए मेरा वर्बीना कलियों से और फूलों से भरा हुआ है आफ्टर रिपोर्टिंग फ्रेंड्स। साथ में इधर भी देखिए ये पिटूनियाज, और ये इधर भी हैं, और साथ में आपको नीचे डिस्टर्बेंस भी सुनाई दे रही होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। और ये है मेरी कुछ नई शॉपिंग, बस कल ही लेके आई हूँ मैं नर्सरी से। तो ये दो पिटूनियाज हैं, इसमें तो पर्पल कलर का फ्लावर है, इसमें कौन सा कलर है मुझे नहीं पता, बस हेल्दी लगे तो मैंने ले लिए। और साथ में मैंने ये एक डॉग फ्लावर का प्लांट भी लिया है। तो ये पिटूनियाज मुझे जो है फ्रेंड्स मत पूछिए कितने में मिले, डॉग फ्लावर मुझे 50 रुपीज़ में मिला। और अब मैं अपनी वीडियो इन प्यारे प्यारे क्या कहते हैं नीलकंठ के फूलों के साथ एंड करती हूँ फ्रेंड्स। और आप देख सकते हैं कि मैं ये कल फूल तोड़ के लाई थी अपने गार्डन में से, और इस वाज में मैंने रखा हुआ है इनको कल से, और अभी भी ये फूल यूं ही फ्रेश हैं। देखिए ज़रा भी नहीं मुरझाए, ना फूल मुरझाए हैं ना पत्ते मुरझाए हैं। तो आप भी इसी तरह इन फूलों को जो है अपने घर में ऐसे वाज में रख सकते हैं पानी के अंदर, और आप देख सकते हैं ये कितने फ्रेश हैं अभी भी। तो बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जैसा मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।